शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे पास राघव के खिलाफ कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के हम उसका गुनाह साबित नहीं कर पाएंगे चमेली। ना उसे उसके किए की सजा मिलेगी और ना तुम्हें तुम्हारा इंसाफ। अभी जी वो वीडियो, क्यों कैसा वीडियो? भाभी जी, जब राघव वो सब हमारे साथ कर रहे थे तब वो हमारी वीडियो भी बना रहे थे। क्या होगा पासवर्ड? तीसरा अटेम्प्ट आशी, सही पासवर्ड डाल दी। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, राम जी क्या पासवर्ड हुआ? बैड बॉय डालिए, शायद खुल जाए। क्या हुआ आशी? सॉरी भाभी जी। अरे वर्कआउट तो मैं कर रहा था। पसीना आपको आ रहा है? ये आप मेरा फोन अनलॉक कर रहे थे ना, क्या हुआ? ओ पासवर्ड चाहिए, लीजिए ना। अरे तू अभी से भाभी के चरण स्पर्श ले रहा है। ये लीजिए अब्बा, पासवर्ड देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अरे इसका पासवर्ड वही है जो आप मुझे समझती हैं। वैसे इतना टाइम वेस्ट करते हैं आप, लाइए मैं अनलॉक कर देता हूँ। ये लीजिए, अनलॉक हो गया, वही पासवर्ड है। वैसे आप देखने क्या आई थी? हमें कुछ नहीं देखना था। अरे ऐसे कैसे, ये देख लीजिए, बड़ा माइंड ब्लोइंग सीन है। अरे क्या हुआ, इतना सुपर्ब वीडियो तो था। हाँ पसंद नहीं आया आपको? वैसे एक बात बोलूं आपको, मैं दोबारा सेम टू सेम एक ऐसा ही वीडियो बना सकता हूँ। आप कर मेरा ये लव सॉन्ग नहीं, इतना नीचे गिर रहे, इतना नीचे। एक औरत की लाज चीटते हुए तुम्हें जरा लज्जा नहीं है? बात नहीं कहा मैं तुम्हारे बेचारा सेट भाई बांधता है तुम्हें अपना। कितना अच्छा इंसान समझते हैं तुम्हें, उसे क्या पता एक अच्छे इंसान की अच्छाई के पीछे एक जानवर छुपा हुआ है। जानवर भासी जी इतना प्यार करती है तुम्हें, भोला इंसान समझती है तुम्हें, उन्हें क्या पता कि इस भोले इंसान के पीछे कितना शातिर इंसान है। गंदी नीयत, गंदी नजर, ऊपर से लेके नीचे तक गंदा तुम एक भासी और सिर्फ क्या, तुम किसी के भी भरोसे के लायक नहीं हो जी। घिनाती है तुमसे हमें। सॉरी भाभी जी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दीजिए ना प्लीज। अरे छोटा भाई ना सही, देवर समझ के माफ कर दीजिए ना। वैसे देवर और भाभी जी के बीच में ये सब चीजें तो होती रहती हैं, क्यों? एक बात कहूँ आपसे, चीज तो आप जबरदस्त हैं, मानना पड़ेगा। सिड ने क्या जबरदस्त बला पसंद करी है, आहा बिजली हो बिजली, देखते ही मन में एक तूफान सा मचल जाता है। हाय बस, इसके सिवाय तुमने एक शब्द और कहा ना तो तुम्हें यहीं खड़े खड़े मार मार के लात पीला कर देंगे। मैं क्यों कह सकता, मजाक बना के रखा है ना, तुम जैसे जानवर कुछ मिनट का बात करके एक औरत की पूरी जिंदगी का शाप बना देते। पहले चमेली की इज्जत पे नजर डाली, अरे दुनिया तो छोड़ो उसको उसी की नजर में गिरा दिया और फिर हम पे नजर डाल रहे हो, इतनी हिम्मत? तुमने अपनी हिम्मत दिखाई ना, तुम हमारी हिम्मत देखो। अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। राम जी की कसम, अगर हमने तुम्हें तुम्हारी पापा की सजा नहीं दिलाती ना तो हम भी अपने बाबा की बेटी आशी नहीं। अब तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे, तुम्हें तलाकों के पीछे डाल देंगे। सॉरी बाबूजी,
बाबूजी सॉरी प्लीज, मुझसे गलती होगी, अगर मुझसे गलती होगी आप मुझसे नाराज है तो प्लीज प्लीज मुझे मुझे दो थप्पड़ लगा दीजिए, और प्लीज प्लीज मुझे जेल मत भेजिएगा, मेरी फैमिली उनके रेपुटेशन का सवाल है, प्लीज प्लीज। अरे सेठ भाई, भाई तू आ गया भाई। बाबूजी आप समझे, तो ये सब ड्रामा राघव को दिखाने के लिए कर रहा था। ब्रो देख, तो भाभी को कुछ मत बोलना, उन्हें ऐसी कोई गलत फहमी हुई है, हम तो ऐसे ही ये सब कर रहे थे, आप प्लीज डांटना मत भाभी को। सिर्फ सिर्फ ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ ये एक्टिंग कर रहा है, अभी दो मिनट पहले हमसे इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था कि अब तुम्हारे सामने बोल भी नहीं सकते। और तुम्हें पता है चमेली, चमेली ने हमें बताया कि इसने जो हरकत की ना, इसने उसका वीडियो तक बनाया, और जब हम यहाँ पे आए ना, इसने खुद हमें अभी अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया। सिर्फ प्लीज एक बार अपने विश्वास करके देखो, एक बार बस हमारे कहने पे इसके इसके फोन में वीडियो देखो प्लीज। तुम चाहती हो ना मैं इसका फोन चेक करूं? फाइन राघव, फोन दे अपने। ब्रो ब्रो फोन फोन में कुछ नहीं है ब्रो। मैंने कहा राघव फोन दे अपना। ब्रो फोन में कुछ नहीं है। राघव फोन दे। ने कहा था तुमसे राघव ने क्या किया? राघव ने क्या किया? राघव ने तुम कह रही थी ना इस फोन में वीडियो है, कहाँ है वीडियो, कहाँ है वीडियो? क्या बोल रहे हो? सिर्फ सिर्फ ने अभी जस्ट वो वीडियो देखा था, हमें नहीं पता वो वीडियो कहाँ गया। वही मैं पूछ रहा हूँ आशी, कहाँ गया वीडियो? मैं इतना भी स्टूपिड नहीं भाभी जी कि जो वीडियो तुम्हें दिखाया वो कोई और देख ले। अरे जिस फोन में मेरा इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है वो फोन मैं सेठ के हाथों में दे दूंगा? नेवर एवर। ब्रो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ये भाभी मुझसे इतना नाराज क्यों है? क्या किया मैंने आखिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन शायद मुझे अब सब समझ आ रहा है। भाभी जी असली फोन तो मैंने उड़ा दिया। सॉरी भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे दो थप्पड़ लगा दीजिए भाभी जी, बट देखिए देखिए आप प्लीज मुझे जेल मत भेजिएगा, मैं मेरी फैमिली मेरी फैमिली के रेपुटेशन का सवाल है। इनको क्या पता मेरे पास दो दो फोन है। सेठ प्लीज हमारी बात सुनो, सेठ रुको। अब क्या बात करनी बची है? यही कि राघव ने चमेली के साथ गलत किया और अब उसकी नजर तुम पे है, तुम्हें उससे खतरा लग रहा है। आशी मैडम तुम्हें क्यों भूल जाती हो कि राघव मेरा भाई है? मैं कह रहा हूँ उसने कुछ गलत नहीं किया, सो प्लीज फॉर गॉड्स सेक अपना ये बदला लेना और मेरे परिवार के इमोशंस और उनकी जिंदगी के साथ खेलना बंद करो। पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम क्या पछता रहे हो? हाँ हम पछता रहे तुमसे शादी करके, तुम सिर्फ हमारे नहीं हमारे पूरे परिवार के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, आज तुम्हारी वजह से हमारे बाबा कोमा में। बोलो सेठ क्या बोल रहे हो? हाँ तुम्हें सच में अब भी ये लगता है कि तुम्हारी बाबा की हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ हमें लगता है कि आज बाबा जिस हालत में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी वजह से कुनाल अपने ही घर में नहीं है, तुमने हमसे जबरदस्ती शादी की, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। पछतावा होता है हमें कि हमारी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिससे प्यार के ऊपर अपनी जिद और अपने जुनून को रखा है। नफरत
नफरत तुम मुझसे करती हो, नफरत मैं तुमसे करता हूँ आशी। तुम्हें ना सच झूठ सही गलत की समझ ही नहीं है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें सबसे ऊपर रखा, तुम्हारे लिए किस किस से नहीं लड़ा मैं, तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर दिया मैंने। तुम्हारे बाबा के कहने पे अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ चला आया, कुणाल से बचाने के लिए तुमसे शादी की। लेकिन नहीं, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी आशी, तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं गलत हूँ। लगता है क्योंकि यही सही है मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा। जो इंसान तुम्हें पागलों की तरह मोहब्बत करता है वो तुम्हें कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता, और तुम्हें फिर भी ये लगता है तो ठीक है। मेरी गलती है कि मैंने किसी ऐसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की जिसने मेरे प्यार की कदर ही नहीं, जिसने मेरे प्यार की कदर तो दूर, मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। जिसे मैंने पूछा था कि विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं, मर जाऊं तो क्या करूं साबित करने के लिए, मर जाऊं, मर जाओ तो तुमने कहा था मर जाओ। ठीक है आशी, अब समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर गया। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार था मर गया, तुम्हारी यादें थी वो मर गई। अब मैं तुम्हें मौन कर रहा हूं, अगर तुमने मेरे परिवार को कोई भी दुख पहुंचाया, कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, याद रखना। चाहेंगे तुम्हें आशी, अब समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारी यादें थी वो मर गई। अब मैं तुम्हें मौन कर रहा हूं, अगर तुमने मेरे परिवार को कोई भी दुख पहुंचाया, कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, वो सिर्फ तुम्हारी नजर का सच था। पूरा सच क्या है तुम नहीं जानते। राघव ने जमीरी और अभी तो सिर्फ धोखा दिया है, पर तुम्हें धोखा हो गया है। तुम हमें गलत समझ रहे हो सेठ, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं लेना, हमें किसी की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं खेलना है। हम तो बस राघव का सच सबके सामने लाना चाहते हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसने जो किया उसे उसकी सजा मिले, चमेली को इंसाफ मिले, कि दोबारा कोई और चमेली ना बन सके। राघव क्या हो गया इसे? हेलो भाभी जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, आइए ना, नीचे हॉल में आइए ना। अब क्या करने वाले? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ वीरो, इसलिए नहीं पूरा लेना, आप सबको अपना मुंह मीठा करना है, फिर ले लो। आशी अच्छा हुआ तुम भी आ गई, लो लो ना, आज इस घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। जो भी गिले शिकवे, जो भी गुस्सा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब भूल जाते हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, ओके? लेकिन नीलिमा जी, ये स्वीटिंग, ये सेलिब्रेटिंग किस खुशी में भाई? ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ मिल गई है आपको जो अपने हाथों से स्वीटी पाई खिला रही है सबको आप? कामिनी जी, गुड न्यूज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज है, मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर ली है। वाह, और ये आजकल की जनरेशन, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, पर हमारे साहबजादे ने कहा जल्दी से जल्दी हमारी एंगेजमेंट कर दो, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि राघव की एंगेजमेंट बहुत जल्द होगी। और हाँ, बाय द वे, लड़की का नाम बोलना तो मैं भूल ही गई, वो लड़की है निधि। निधि
और इसलिए मैंने और अमृता जी ने डिसाइड किया है कि हम ये एंगेजमेंट जल्द से जल्द करेंगे। अमृता जी अपना मुंह मीठा कर लो। अरे मुंह मीठा नहीं, हम तो गले मिलेंगे, समझ जो हो गई है। हमने तो भाई पंडित जी से बात भी कर ली है और उन्होंने कहा है कि आज का ही मुहूर्त है, 11 बजे का बहुत शुभ मुहूर्त है सगाई के लिए, तो सगाई तो आज ही होगी। तो नेक बात के लिए देरी क्यों, आज ही एंगेजमेंट करते हैं। भाई कॉन्ग्रेट्स, बहुत खुश हूं मैं तेरे लिए। आशी नहीं राघव, तुमने चमेली की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब हम अपनी निधि के साथ तुम्हें कुछ गलत नहीं करने देंगे, हम ये सगाई नहीं होने देंगे। काजल वो जरा बॉक्स है ना। यस मैम। निधि ये तुम्हारे लिए सगाई का छोटा सा शगुन, ये लो। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू मासी। निधि हम बहुत खुश है तेरे लिए, भाई तुझे तो बैठे बिठाए इतना अच्छा घर मिल गया। हुँ? वैसे हम भी कुछ लाए हैं राघव के लिए, अभी लेकर आते हैं। काकी माँ आप ये क्या कर रही है? आप जानती हैं इन्हें सही नहीं है। क्या सही नहीं है? राघव, काकी माँ राघव ने इतना बड़ा गुनाह किया है, वो सही नहीं है। अब आप ये सब जानते हुए भी निधि की सगाई कैसे उससे करवा सकती है? क्यों? क्योंकि राघव ने कुछ नहीं किया, ये बात घर में सब मानते हैं, कानून मानता है, एक तुम ही हो जो इस बात को मान नहीं रही हो, बस अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। लेकिन काकी हमने खुद, तुम चाहो ना चाहो ये सगाई हम करवा के रहेंगे। पहले ही बहुत सत्यानाश कर लिया है तुमने, तुम्हारी वजह से हमारा पति अस्पताल में है, हमारा बेटा आज तर तर की ठोकरें खा रहा है, वो विद्या के साथ जो हुआ था आज तक भूले नहीं है हम, उसकी वो प्रेगनेंसी के वक्त इतना बड़ा कांड हो गया था तब भी तुमने उसका साथ दिया था, बड़ी झांसी की रानी बनने का शौक था ना तुम्हें, तुम्हारी वजह से आज हमारी वो बेटी हमारे साथ नहीं है, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी आज हम अकेले हैं। अब क्या लगता है तुम्हें, निधि के लिए जब इतना अच्छा रिश्ता आया है हम उसे ठुकरा दे? हाँ आशी, हमें तो समझ में नहीं आता तुम सच में इस घर का भला चाहती हो या भला चाहने का सिर्फ नाटक कर रही हो। बस कुछ बोला नहीं कि टेसुए बहाना शुरू है ना, तुझे जो करना है कर आशी, लेकिन हमारी बेटी की सगाई में रोड़ा डाला ना, देख लेना। काकी माँ तुम निधि को बहन मानते हो ना, निधि के लिए उसकी जिंदगी के लिए
एक बार हम पे विश्वास कर लो, सिर्फ राघव सही लड़का नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर हमारे यकीन मानो, प्लीज हमारा विश्वास करो, हम सही बोल रहे हैं। विश्वास तुम्हारी बात पे आशी, याद है मैंने भी एक दिन यही कहा था, कितना रोया था मैं तुम्हारे सामने, गिड़गिड़ाया था, अपनी बेगुनाही की गुहारे लगाई थी, लेकिन तुमने सुनी नहीं, नहीं सुनी। तुमने भी उस वक्त वही किया जो तुम्हें सही लगा, और अब मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। सर प्लीज, सर। थैंक यू। जहर, अब देखो ना, इतने कम समय में ये घर भी अच्छे से सज गया और हम सब भी अच्छे से सज गए। क्यों नहीं सजेंगे अमृता जी, हम दोनों के बच्चों की सगाई जो है। क्या रहा, रुको सुनो ना, हम नहीं बोलते। आशी नलिमा आंटी मुझे बुला रही है, आई नीड टू गो। कैसी लग रही है? वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू। मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेलती रहेगी और मैं खेलने दूंगा तुझे, जो काम उस दिन अधूरा रह गया था उसे मैं आज पूरा कर देता हूँ। हेलो चमेली। हेलो भाई।